अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रूही खान फ्रॉम ज़ारा हर्बल्स। आज का वीडियो हार्ट अटैक के ऊपर है, जो ऑल ऑफ सडन डेथ्स हो रहे हैं, उनका रीज़न क्या है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के बावजूद मिड एज ऑफ 30s, 40s एंड 50s में क्या रीज़न की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं इतना अर्ली। एक अच्छी सी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, यहाँ तब भी उनको किस वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इसका रीज़न आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको इंशाल्लाह फॉलो करना है और इसी को शेयर भी करना है ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। फर्स्ट रीज़न ऑफ हार्ट अटैक नाउ डेज जो हम देखने में आ रहा है, एक्सरसाइज, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप एक स्पीड को मेंटेन नहीं करते, आप एक टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन नहीं करते, आपके दिमाग में बस यही चलते रहता है कि आपको कैलोरीज बर्न करना है, आपको फैट लॉस करना है, आपको वेट लॉस करना है, लेकिन आप इसके ड्रॉबैक्स नहीं देख रहे हैं कि आपके दिल पर इसका कितना बुरा असर हो सकता है, आपके कार्डियक मसल्स कितना वीक हो सकते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन कितना रुक सकता है, कितना सप्लाई कर रहा है, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। बस आपके दिमाग में एक ही बात होती है कि आप अपना वजन कम करें, आप अपने फैट को घटाएं, या आप बिल्कुल जल्दी जल्दी आप अपने वेट को कम करें, यही एक जहन में पॉइंट होता है। इसी वजह से जिम के जो कोच होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो भी बताते हैं कि आप इतनी स्पीड फॉलो करें, इतना टाइम करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, प्रोटीन लें, लॉट ऑफ थिंग्स उसके साथ बताया जाता है, लेकिन आपकी बॉडी पर इसका क्या असर होता है ये नहीं बताया जाता। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान का जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा है, उनकी दिल और दिमाग की सलाहियतें बिल्कुल अलग होती हैं, हर चीज़ का उनके ऊपर बिल्कुल अलग तरीके से इफ़ेक्ट होता है, हर एक की बॉडी एक ही चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रीज़न ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट जो होता है, हार्ट अटैक जो हो रहा है ऑल ऑफ सडन, या नींद में आ रहा है, या वर्कआउट्स के ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि जिम्स में वर्कआउट करते वक्त या कुछ एक्सरसाइज करते वक्त, आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में, स्पोर्ट्स में भी कई ऐसे डेथ्स हो चुके हैं जो हमने देखे हैं कि खेलते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त ऑल ऑफ सडन क्रिकेटर्स या प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन जो भी हो, गिर जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आप जो स्ट्रीनियस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम उस एक्सरसाइज को देते हैं, जितना आप स्ट्रेंथ लगाकर कार्डियो करते हैं, उसकी वजह से आपके कार्डियक मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और आपका ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाता है, आपका पल्स रेट हाई हो जाता है, बीपी या हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, तो उस वजह से आपके दिल पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी थक चुकी है, आप में वो स्टैमिना नहीं है, तो आप उस तौर पर रुक जाइए, उसी वक्त रुक जाइए। एंड ट्रेडमिल यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्रेडमिल को इंक्लाइन पोजीशन पर सेट करें, ना ही स्ट्रेट लेवल पे। स्ट्रेट लेवल पे जब आप एक स्पीड लेते हैं, 5 या 6 की स्पीड से आप कैलोरीज को बर्न करते हैं, आप ट्रेडमिल यूज़ करते हैं 40 मिनट्स, 1 आवर, बाद लोग 1.5 घंटा करते हैं, उस पर रनिंग भी करते हैं, उस वक्त आपके कार्डियक मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं, उनमें ये स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो अपना काम बराबर से अंजाम दें, यानी दिल को खून पहुँचाने का जो काम होता है वो उन मसल्स आर्टरीज से नहीं हो पाता, वो वीक होकर रुक जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन आपके स्ट्रेट पोजीशन की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं होता। तो रीज़न ऑफ हार्ट अटैक इज दिस, ये रीज़न है आपका पल्स रेट हाई हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा, उस वक्त आपको रुक जाना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़, आप उस दौरान बहुत ही ठंडे पानी का इस्तेमाल या ठंडे जूसेस का इस्तेमाल इन बिटवीन आप जो करते हैं, उस वजह से आपका क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ सकता है, ये सेकेंड रीज़न है। आपकी स्पीड ज़्यादा होना या आपका टाइम ज़्यादा होना, दिस इज़ द मेन रीज़न। आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, 30 मिनट्स वॉक, 30 मिनट एक्सरसाइज इज मच इनफ फॉर योर बॉडी। आप ग्रेजुअली अपना वेट कम करें, ग्रेजुअली फैट लॉस करें, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को एक फॉर्म पर लाएं, ना ही आप टारगेट रखें कि मुझे महीने भर में इतना वज़न कम करना है, मुझे महीने भर में इतने अच्छे लगना है, मुझे महीने भर में इतने खूबसूरत दिखना है, ऐसा नहीं होता। हर एक की बॉडी अलग वर्क करती है, हर एक की बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग बनाया है, तो उसी हिसाब से हमको सेलेक्ट करना चाहिए कि हमको कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेटर है। अगर आप ट्रेडमिल यूज़ करने के आदी हो तो बेशक आप करिए, लेकिन आप उसकी स्पीड को ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 to 4 स्पीड, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर योर बॉडी, एंड 30 मिनट्स इज मच इनफ फॉर योर बॉडी। इससे आपके ना ही हार्ट रेट पर कोई इफेक्ट होगा, ना ही आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट होगा, ना ही आप पर हड्डियों पर या आपकी नीज पर या जॉइंट्स पर कोई बैड इफेक्ट होगा, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आए। एंड द सेकेंड रीज़न ऑफ हार्ट अटैक नाउ डेज क्या है, नाइट आउट जो करते हैं, नाइट आउट पार्टीज या नाइट आउट करना, या सारी रात जाग कर जब आप सो जाते हैं, उस वक्त आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो उस
की वजह से आपका एसिडिटी लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाती है HCL, उसकी मौजूदगी में हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, दिस इज द सेकेंड मेजर कॉज ऑफ योर डेथ। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ नाउ डेज इन यंगस्टर्स। इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, ब्लोटेड एबडोमेन, उसकी वजह से जो प्रेशर आपके सीने पर क्रिएट होता है, जो प्रेशर आपके हार्ट पर क्रिएट होता है, वही एक रीजन है। विद द कॉन्स्टिपेशन, दिस इज द मेन रीजन। आई एम रिपीटिंग, आई रिपीट माय वर्ड्स, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन इज द सेकेंड मेजर रीजन ऑफ हार्ट अटैक इन यंगस्टर्स। यही एक दूसरी वजह है। फर्स्ट स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, जो जिम में वर्क करते हैं, जिम में वर्क करने वाले, या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्सरसाइज करना, जिनका टारगेट, जिनका गोल ये होता है कि आप थोड़े से कम वक्त में आप बहुत ही पतले हो जाएं या आपका फैट बिल्कुल कम हो जाए, तो आप ट्रेडमिल को यूज़ करने का बेस्ट तरीका, इंक्लाइन पोजिशन पर रखेंगे, 30-40 डिग्रीज पर उसको सेट करेंगे। जैसे आप एक माउंटेन चढ़ते हो या आप एक पहाड़ चढ़ते हो, तो उस टाइम आपका पोजिशन कैसा होगा, थोड़ा सा बेंडिंग फॉरवर्ड लाइक दैट। तो इस पोजीशन में जब आप होंगे तो आपका सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपके मसल्स और वेन्स प्रॉपर वे में काम करेंगे, उनको एक टाइम ड्यूरेशन मिलता है अपने आप को सेटअप करने के लिए, अपने सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए। जब आप स्ट्रेट वे में बिल्कुल तेजी के साथ आप रन करेंगे तो आपका सर्कुलेशन रुक सकता है, आपके मसल्स बहुत वीक हो सकते हैं, स्पेशली कार्डियक मसल्स। ये दो रीजन हो चुके हैं। एंड द थर्ड रीजन, आपका थर्ड रीजन ये है कि आप जब नाइट आउट करते हैं तो आप बिल्कुल हैवी खाना खा लेती हूँ, लेट नाइट 11:30 12:30 के बाद जब आप खाना खाते हो, फिर उसके साथ आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, फिर उसी के बाद फौरन जाकर जब आप सो जाते हो, तो ये एक थर्ड रीज़न है आपकी बॉडी में, आपके खून को गाढ़ा, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कम हो जाएगा, और वो उस हैवी खाने की वजह से आपके पेट में एसिडिटी क्रिएट होगी, आपका एब्डोमेन ब्लोटेड होगा, उसका प्रेशर आपके हार्ट पर जरूर पड़ेगा। तो ये चंद रीजंस है यंगस्टर्स में नाउडेज मिड 30s 40s में हार्ट अटैक्स की, ये रीज़न। एंड स्ट्रेस लेवल, ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस जो बढ़ चुका है उस वजह से भी आपके हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो इसको आप मेंटेन कैसे करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, बिल्कुल 30 मिनट्स के लिए करिए और स्ट्रेस लेकर ना करिए, स्ट्रीनियस मत करिए, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली अपना वेट कम करिए। इसी के साथ एक्सरसाइज करते वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करिए, ठंडे शरबतों का इस्तेमाल मत करिए, आप बिल्कुल सिप में आपको पानी या जूस लेना चाहिए सिप में, देन आफ्टर 10-15 मिनट्स आप पानी पी सकते हो या कुछ खा सकते हो। एंड द सेकेंड रीज़न, आप जब रात में लेट नाइट खाना खाते हो या डिनर करते हो या हैवी पार्टी जो भी करते हो, उसके बाद आपको फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको मैं एक फॉर्मूला या एक टिप बताऊंगी जो आप डेफिनेटली यूज़ करना है, जिस दिन भी आप हैवी फूड ले रहे हो उस दिन आपको यूज़ करना है। आप दार चीनी वाला पानी उबाल कर पिएंगे या अदरक वाला पानी आप ज़रूर उबाल कर पीकर, फिर उसके एक घंटे के बाद आप सुकून से सो जाइए। एंड थर्ड रीज़न, जब आप नींद में रात में उठते हो, आप वॉशरूम के लिए उठते हो या कोई ज़रूरत के लिए, आप जब नींद में या ऑल ऑफ सडन जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो आपको अपने बेड से डायरेक्ट उठना नहीं चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन में बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, आपको करवट बदल कर फिर अपने बेड पर सुकून से फ्यू सेकेंड्स के लिए बैठना चाहिए, आराम से करवट बदल कर आप टर्न होकर फिर आप बैठ कर फिर उसके बाद उठकर आप जाइए। स्ट्रेट पोजीशन में आप जब उठ के सीधे बेड से जब बाहर जाएंगे तो आपका ब्लड सप्लाई बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा, आपके ब्रेन एंड हार्ट को उतना खून नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, यही एक मेन रीज़न है आपके हार्ट अटैक्स का। तो आप अपने घर में अपनी फैमिली में ये टिप्स बताइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करिए। जब भी आप कुछ हैवी खा लें या कुछ पार्टीज़ में जाए तो आप अदरक वाली चाय ज़रूर पिए, दालचीनी वाला पानी ज़रूर पीजिएगा, एंड अगर आपको बहुत हैवी लग रहा है या एसिडिटी हो चुकी है तो सौंफ वाला पानी ज़रूर पीजिएगा। ठंडे पानी से बिल्कुल आपको मना है ऐसे एक्सरसाइज में, या आप जब भी रात में उठें तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करिए या लुकवॉर्म वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। जल्दी से कुछ नहीं होगा, सुकून से और समझदारी से हर चीज़ का हल निकलता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ज़रूर एक्सरसाइज करिए, करना भी चाहिए, 30 मिनट्स एक्सरसाइज इज मच इनफ फॉर यू। उसके बाद आप एरोबिक्स कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, इसी के जरिए से आपको 6 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद अपना वेट रीच होगा। ऑल ऑफ सडन कुछ हासिल नहीं होता, जो जल्दी हासिल होता है उसमें सिर्फ नुकसान होता है। तो आप इसी के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए और आपके जो सवाल आते हैं मुझे इनबॉक्स करिए, इंशाल्लाह मैं हर चीज़ का आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अल्लाह हाफिज़।